हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो T2 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मोनो ऑडियो सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोनो ऑडियो सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा ऑडियो एडजस्टमेंट, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको जो है ना ये मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। इस मोनो ऑडियो के सामने जो बटन है ना, इसे आपको टैप करना है तो मोनो ऑडियो आपकी इनेबल हो जाएगी ये सेटिंग, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मोनो ऑडियो के नीचे जो ये लिखा हुआ है ना ऑडियो बैलेंस, ये मोनो ऑडियो का ही पार्ट है। और ऑडियो बैलेंस के नीचे देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट, इस लेफ्ट और राइट को आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास ना ईयरफोन्स हैं, ठीक है। ईयरफोन पे देखिए एल और आर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एल और आर लिखा हुआ है। ये हमारे ईयरफोन्स का लेफ्ट और ये राइट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है ना ये करना क्या है कि अपने ईयरफोन्स को, अपने मोबाइल, अपने जो ईयरफोन्स को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। आपके पास कोई से भी ईयरफोन है या हेडफोन है, जैसे कि आपके पास, मेरे पास तो वायर वाले ईयरफोन है, अगर आपके पास ब्लूटूथ वाले ईयरफोन है ये सेटिंग उसमें भी काम करेगी, ठीक है। तो करना क्या, अपने ईयरफोन्स को जो है ना अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, कनेक्ट करना है। और यहाँ पर जो है ना आप अपने मोबाइल फ़ोन में ईयरफोन के जरिए कोई भी वीडियो देख रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर कोई भी ऑडियो सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट, इस ऑडियो बैलेंस के इस पॉइंटर को आपको जो है ना उंगली से दबाना है और इसे आपको जो है लेफ्ट में कर देना है। लेफ्ट में करने से क्या होगा, आपका जो लेफ्ट वाला ईयरफोन होगा ना उसमें आपको ऑडियो सुनाई देगा और जो आपका राइट वाला ईयरफोन होगा उसमें आपको ऑडियो सुनाई तो देगा लेकिन उसमें से कम आवाज़ आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पॉइंटर को जो है ना राइट में कर देंगे तो क्या होगा, आपके राइट वाले ईयरफोन में से आपको ऑडियो सुनाई देगा, ठीक है, आवाज़ आएगी। और आपके लेफ्ट वाले ईयरफोन में से आपको आवाज़ सुनाई तो देगी लेकिन उसमें से कम आवाज़ आएगी, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंटर को अगर आप सेंटर में कर देंगे तो आपके जो दोनों ईयरफोन्स हैं उसमें से आपको ऑडियो बैलेंस बराबर सुनाई देगा, आवाज़ बराबर आएगी दोनों ईयरफोन्स में से, ठीक है। अब तो ज़रूरी नहीं है इस पॉइंटर को आपको लेफ्ट या राइट में या सेंटर में ही करना है। इस पॉइंटर को आप लाइन के ऊपर जो है ना कहीं भी आप रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कहीं भी आप रख सकते हैं। तो आपको जो है ना राइट वाले ईयरफोन में आपको थोड़ा ज़्यादा और लेफ्ट वाले ईयरफोन में आपको थोड़ा कम सुनाई देगा, ठीक है, अगर ये पॉइंटर को आप ये यहाँ पर कहीं पर भी आप रखेंगे तो। इसी तरीके से इस पॉइंटर को आप इस लेफ्ट वाले एरिया में आप यहाँ पे कहीं भी आप इसे रख लीजिए तो इससे क्या होगा, आपको लेफ्ट वाले ईयरफोन में आपको थोड़ा ऑडियो ज़्यादा सुनाई देगा और राइट वाले में थोड़ा कम सुनाई देगा, ठीक है, इस पॉइंटर को अगर आप लेफ्ट वाले एरिए में रखते हैं तो, ठीक है। तो इस सेटिंग के जरिए आप जो है ना अपने मोबाइल, अपने ईयरफोन की ऑडियो को आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में।